हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी आसमा से। ये मेरी सिस्टर आसमा है जिसको आप लोग इतने दिनों से देखना चाहते थे। सो आत्मा, तुम अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहोगी? मेरी आसमा शर्मा आ रही है, इसलिए आप लोग इसे हेलो बोलो। एंड आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, जो जिससे आप लोगों को बहुत ही मीन्स यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। सो हियर वी स्टार्ट। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज़ दी वैक्सी टाइप ऑफ फैट या लिपिड जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। एक ये वैक्सी सब्सटेंस है जो कि ब्लड में वाटर डिजॉल्व नहीं कर पाता इसको। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो गुड फैट्स हैं ना, जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। और लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल दिस कोलेस्ट्रॉल, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमें रिड्यूस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने होते हैं, जो जैसे कि हमें अवॉइड करना होगा, रेड मीट अवॉइड करना होगा। देन हमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवॉइड करना होगा। एंड हम लो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो दही होती है वो हम खा सकते हैं। देन हमें एलिमिनेट योर ट्रांस फैट, फॉर एग्जांपल हमें कुकीज़, केक्स, क्रैकर्स ये सब नहीं खाने होंगे, है ना, अवॉइड करना होगा। देन हम बात कर सकते हैं दैट प्लीज ओमेगा रिच फूड डाइट्स, जैसे कि ओमेगा थ्री रिच फूड डाइट्स। जैसे ओमेगा थ्री किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, अगर हमको ढूंढे तो फिशेज़ खाओ आप, सैल्मन फिशेज़ खाओ, देन मैकरोन्स खाओ, देन किडनी बीन्स खाओ, ये सब खाओ, ठीक है। तो इन सब से हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होती है, अच्छी कोलेस्ट्रॉल, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहती है। देन यू टॉक अबाउट ईट योर फाइबर्स, खाओ आप ज़्यादा ज़्यादा, जैसे कि विच इज़ प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स, एप्पल्स, है ना, किडनी वॉलनट्स, बीन्स, ये सब में प्रेजेंट होता है। तो इससे हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है कंट्रोल में रहती है, ठीक है। देन आप डेली डेली एक्सरसाइज करो, जिससे हमें ओबेसिटी कम होती है और जिससे हमारे लिपिड एंड फैट्स बॉडी में नहीं बनते हैं। तो इसके कारण से भी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो कंट्रोल रहता है। और उसके बाद आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्मोकिंग मत करो। सो ऑल दिस विल कीप योर कोलेस्ट्रॉल इन गुड लेवल। एंड ये आपको जो हार्ट अटैक एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो डिजीज़ होते हैं, हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, इनसे बचाएगा। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर आप ये सब फॉलो करोगे देन आई मस्ट से दैट आपका घर में ही आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोलेस्ट्रॉल इज इन कंट्रोल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।